अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए, आप कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सर, जैसा कि मैं अपने नाज़रीन को पहले भी बता चुकी हूँ कि आप एक इंजीनियर हैं, चार्टर्ड इंजीनियर हैं, सामाजिक कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक खतीब भी हैं, और मोर ओवर यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो सर, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं हमें, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? जी सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं द शेड पेन ऑफिशियल के टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है आप सब से बात करने के लिए। और मेरी जर्नी एज ए मोटिवेशनल स्पीकर हो या एज एन इंजीनियर हो या एज ए ट्रेनर हो, ये स्टार्ट हुई है जब जब से मैं अब मेरा ग्रेजुएशन डे को स्टार्ट किया हूं। जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी जी सर, जी सर, जी आपकी वीडियो स्टक हो गई थी। आई गेस इट्स अ नेटवर्क ग्लिच। आप कंटिन्यू करें सर। ऑलराइट, सो मेरी जर्नी में मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी अपने आप को फ्री नहीं रखा था, चाहे वो कॉलेज टाइम से हो या कॉलेज टाइम के बाद हो। मैं सभी यंगस्टर्स को यही सजेशन देता हूँ कि अपने आप जब हम लोग बिजी रहेंगे, सीखने की एक इंटरेस्ट अपने में बढ़ेगी, और जब कुछ नॉलेज हम लोग गेन किए हैं, जब तक ये नॉलेज को ऑपोजिट पर्सन को जब हम शेयर नहीं करेंगे, तो वो नॉलेज को हम अपने पास रखकर कुछ फायदा नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे जो है मैंने पब्लिक में एंटर हुआ था, ट्रेनिंग फील्ड में एंटर हुआ था, मोटिवेशनल सेशंस देने चालू की थी। तो धीरे धीरे मेरे गांव से जो है दूसरे स्टेट्स में भी मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले, मैंने टॉप यूनिवर्सिटीज को भी अप्रोच किया था। तो मेरा ये मानना है कि ये जो हमारे एज के यंगस्टर्स हैं, यही जो है आने वाले कल को एक अच्छा शेप बनाने में एक रोल प्ले करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि हम कितना मोटिवेटेड हैं ताकि हम दूसरों को मोटिवेट करें। सो ऐसे कुछ ही सिलसिलों पे मैंने स्टार्ट की थी मेरी जर्नी। जी सर, तो सर अगर मैं आपसे एक प्रॉपर सवाल करूं, तो आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनने की ख्वाहिश किस चीज ने दिलाई? इसके लिए मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जब तक हम कुछ खोएंगे नहीं, कुछ पाएंगे नहीं। सो बहुत सारी चीजें मैंने मेरे जिंदगी में डिफिकल्टीज फेस की है, चाहे वो एजुकेशन टाइम के हो या पर्सनल लाइफ हो या कुछ भी हो, ये डिफिकल्टीज ही मुझे आज एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने का एक मेन रोल प्ले किया है मेरे लाइफ में। अगर हम बात करेंगे, एक एग्जाम्पल लीजिए एक मूवी का, जब तक एक स्पाइडरमैन जो है वो अपने आप को स्पाइडरमैन कर नहीं फील होता, तो मूवी कभी हिट नहीं होती। जब तक एक सुपरमैन मैं सुपरमैन हूं करके फील नहीं होता, तो वो मूवी कभी हिट नहीं होती। इसी तरह जब तक मैं अगरचे फील नहीं होऊंगा कि हाँ मैंने ये खोया है, मेरे आने वाले कल ये नहीं खोना चाहिए, तो जब मैं एक स्टेप हम टू नो वी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, we have to come out of the box to make them understand yes this is the reality and this is how you are going to face in the future. बिल्कुल सर। तो सर अगर मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, that how would you ensure that your speeches are captivating and informative? तो आप कैसे
यकीनी बनाएंगे कि आपकी जो तकरीरें हैं वो दिलकश हैं और मालूमाती हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हाउ कैन आई टेल दैट माई स्पीचेस आर इफेक्टिव एंड आर गेटिंग अप्लाइड इन द सोसाइटी? तो यही आपका सवाल था। तो अगर मैं इसका जवाब दूं, मैंने इतने सारे कॉलेजेस में जाकर स्पीचेस दिया है, मैंने इतने कॉलेजेस में, इतने स्कूल्स में, यही स्कूल्स और कॉलेजेस एजुकेशन छोड़कर अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो सोशल एक्टिविटीज में मैं जाके स्पीचेस दिया है। एक भरोसा मेरा यही था कि आज तक आसिफ हुसैन का सेशन नेगेटिव निकला या एक भी बंदा इसके खिलाफ या फीडबैक नेगेटिव दिया है, ऐसा मेरे रिकॉर्ड्स में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे लोग जितने भी मेरे सेशन सुने हैं वो आज ही नहीं या कल नहीं, कुछ साल बाद, कुछ महीनों के बाद वो पर्सनली मुझे थ्रू डिफरेंट सोर्सेस मेरा नंबर जो है या मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसको निकाल कर एक सजेशन देते हैं, सर आपने जब एक पॉइंट कही थी, आपके 10 पॉइंटों में से मैंने 2 पॉइंटों को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, टुडे आई एम स्टैंडिंग ऑन माई लेग सक्सेसफुली एंड आई टुडे आई रिमेम्बर्ड यू। तो यही सारे फीडबैक्स बहुत सारे हैं, ये एजुकेशन के रिलेटेड ही नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, चाहे कुछ एनजीओ के तरफ से मुझे भी सेशन दिया हो, तो ये सारे लोग जो है मुझे एक अच्छा सपोर्ट भी दिए हैं, अच्छा फीडबैक भी दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे अवार्ड्स भी मिले हैं। दैट इन अ वेरी यंग एज दैट आई हैड मोटिवेटेड मेनी पीपल हु बिकेम सक्सेसफुल इन लाइफ एंड हु गॉट जॉब्स थ्रू माई रेफरेंस हो या सपोर्ट हो। तो सर जैसा कि आपने कहा कि अभी तक आपके स्पीचेस पे या फिर आपकी जो जो भी आपने जो अपने मोटिवेशनल स्पीचेस जितनी भी दी है उसका कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं आया, तो क्या कोई ऐसा पार्ट था जहां पे आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी? व्हाट वाज द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर? या सो द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट दैट इनिशियल मोटिवेशनल स्पीकर विल फील, आई मीन जब नया नया कोई मोटिवेशन फील्ड में आता है तो डिफिकल्टी ये होती है कि अगर वो अपने उम्र के कम लोगों से अगर बात कर रहा हो या अपने टैलेंट के हिसाब से कम लोगों से अगर बात कर रहा हो, उसके पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस होता है। अगर वही स्पीकर उसके एज से बढ़कर लोगों से वो अगर बात कर रहा हो या उन टैलेंट से बढ़कर लोगों से अगर बात कर रहा हो, डिफिकल्टी वहीं पर आती है। तो इसी सिलसिले में अगर मुझे जब पहली बार मुझे एक टॉप यूनिवर्सिटी चेन्नई में जो है उस यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया था प्रोफेसर्स को एक इंटरैक्टिव सेशन लेने के लिए, तो हाँ मैंने एक डिफिकल्टी फेस की है कि हाँ ये तो प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं तो माशाल्लाह नॉलेजेबल होंगे, पीएचडी स्कॉलर्स होंगे, तो मैं उनको सेशन कैसा दूं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे पॉइंट जब मैंने देने स्टार्ट किया है, स्लोली स्लोली द क्वेश्चंस दैट आई वाज गेटिंग फ्रॉम द प्रोफेसर्स, आई रियली एडमायर देम दैट दे हैड लर्न समथिंग फ्रॉम मी एंड आई हैव लर्न समथिंग फ्रॉम देम। तो सर कोई एक ऐसा पार्ट जो अभी भी आप फेस कर रहे हैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर जहां जिस पे आप अभी भी काम कर रहे हैं? जी देखिए सारे इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स अभी भी हिडन है हमारे सोसाइटी में, ठीक है? तो हिडन होने की वजह ये आज कर, चलो हिडन होने की वजह अगर हम कुछ देर के लिए बाजू को रखकर जो सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर्स की अगर हम बात करेंगे तो सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर जो है ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना मार्केटिंग कर जो है दे केम इनटू द सोसाइटी, जो इंस्टाग्राम के वीडियो से हो, यूट्यूब के वीडियो से हो, उसको देखकर लोग वो मॉडिफाइड हो या एडिटेड वीडियोस हो उसको देखकर लोग उनको फॉलो करना देख रहे हैं। तो मैं ये डिफिकल्टी ये फेस कर रहा हूँ। हाँ अगर मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर मेरा भी एक अच्छा मीडिया टीम होता या कुछ वीडियो टीम होता जो मेरे सारे सेशंस को रिकॉर्ड कर सके, उसको भी अच्छी तरह से एडिट कर सके और उसको भी बहुत सारे लोगों तक उसको पहुंचा सके तो खुशी होगी, तो मैं वही चाहता हूँ। तो सर आपके नजरों में मोटिवेशनल स्पीकर होने का फायदा क्या है?
मोटिवेशनल स्पीकर होने का सबसे बड़ा फायदा होगा सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जी सेल्फ सेटिस्फेक्शन। अगर आप मोटिवेशन से पैसा कमाना चाह रहे हैं, कृपया करके मार्केट में मत आइएगा। जी सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप देख लीजिए, कोई आया मेरे पास, कोई आकर पूछा कि हाँ आसिफ साहब देखिए ये जो चीजें हैं, तो मैं उसको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बिठाकर उसको मोटिवेट कर रहा हूँ, और जब जाते वक्त उसको पूछ रहा हूँ, भाई साहब मैंने 3 घंटे तेरे लिए मोटिवेट किया है, प्लीज पे मी 2000। नो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ए मॉनिटरी बेनिफिट फ्रॉम समवन। विथ योर मोटिवेशन, इफ समवन इज बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ, विथ योर मोटिवेशन, इफ समवन इज बीइंग फीलिंग गुड एंड कॉन्फिडेंट इन लाइफ, देन दैट इज अ सेल्फ सेटिस्फेक्शन दैट यू गेन। तो यही फायदा है मोटिवेशनल स्पीकर होने से। मैं अभी तक जितना भी चाहूं यही चाहूं, कभी मैंने इसके बारे में, मॉनेटरी बेनिफिट के बारे में नहीं चाह रहा है। तो सर, जैसा कि हमारे फाउंडर दानिश अशरफ साहब कह रहे हैं कि लाइफ अ नेवर एंडिंग जर्नी पे थोड़ी सी रोशनी हो जाए, क्या जी, ये टाइटल की बहुत अच्छी मानी है। अगर हम बात करेंगे, ये टाइटल की बहुत अच्छी मानी है, लाइफ ए नेवर एंडिंग लर्निंग जर्नी। लोग अक्सर अपना ग्रेजुएशन पढ़कर अपनी पढ़ाई को रोक देते हैं, कुछ लोग पीजी करकर रोक देते हैं, लेकिन ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, ये सारे अपने पेपर दिखाने के लिए लायक हैं। उससे ज्यादा इससे कुछ खोने वाला या कुछ आने वाला नहीं है। मैंने ये बात इसलिए कही है कि ए लाइफ इज ए नेवर एंडिंग लर्निंग जर्नी। व्हाई इट इज नॉट? आज मैं आपसे 15 मिनट या 20 मिनट कुछ बात कर रहा हूं, मुझे आपसे कुछ सीखना है, आपको मुझसे कुछ सीखना है। जब तक हम आपस में सीख नहीं रहे हैं हर दिन, हम अपने आप को, आई मीन आई कैन टेल इन दिस वे, लोग कहते हैं कि हाँ आपने बहुत कुछ बोल दिया है, आई नो दिस, ओके मुझे पता है, आप मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। नो, आपको कुछ बोल रहा है सुनिए। जब भी आई मीन मैं जहां पे भी जाता हूं, आई यूजुअली टेल फोर प्रिंसिपल्स, यू नो आई कैन कॉल इज एन आसिफ प्रिंसिपल्स। मैं जहां भी जाता हूं मैं ये बात बोलता हूं। नंबर 1, घर से बाहर निकलने से पहले सुबह, चाहे हम कॉलेज के लिए जा रहे हो, चाहे हम ऑफिस के लिए जा रहे हो, घर से निकलने से पहले चार प्रॉमिसेस करनी होगी अपने आप को। नंबर 1, टुडे आई एम गोइंग टू मेक समवन हैप्पी। चाहे वो किसी को मदद करके हो, चाहे वो किसी को सपोर्ट देकर हो, या किसी को खैरात करके क्यों ना हो। नंबर 2, टुडे आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। आज मैं कुछ नया सीखकर जरूर वापस घर लौटूंगा। नंबर 3, टुडे आई एम गोइंग टू मेक समवन हैप्पी। आज मैं किसी का दिल खुश करकर जरूर वापस आऊंगा। खुश कैसा करोगे? किसी को दिल खोलकर हंसाने की नहीं, किसी के चेहरे पर बिना छुए मुस्कान लाना सबसे बड़ी मुसीबत है। आजकल लोग आपस में बात कर रहे हैं, सीरियस चेहरा रख के बात कर रहे हैं, आप क्या सीख रहे हो आपस के आदमी से? नंबर 4, मैं 3 रिपीट कर नंबर 4 बोलना चाहूंगा। नंबर 1, टुडे आई एम गोइंग टू मेक समवन हैप्पी। नंबर 2, टुडे आई एम गोइंग टू हेल्प समवन। नंबर 3, टुडे आई एम गोइंग टू, क्या था तीसरा? मैं घर किसी को खुश करके लौट रहा हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू मेक समवन हैप्पी, और जब भी मैं वापस घर आ रहा हूं। नंबर 4, टुडे आई एम गोइंग टू स्पेंड माय टाइम विद फैमिली। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन आई गेस। क्योंकि बात यह है, आजकल तो मोबाइल फोन का जमाना आ गया, हम मोबाइल फोन से कुछ नहीं सीख रहे हैं। आप अपने माँ बाप से बैठिए, आप अपने नाना नानी से बैठिए, आप आपके दादा दादी के साथ बैठिए, आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। वो भी अपने लाइफ में सीखने का एक पार्ट है।
जितना हम अपने पढ़ाई में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जितना हम किताबों में सीख रहे हैं, जितना हम मोबाइल फोन से सीख रहे हैं, वो जो सीखना होगा वो कुछ सर्टेन लिमिट के लिए ही होगा। लेकिन जिंदगी तक आपको जीना है, जब तक आप मरते हैं, जब तक आपको सीखना है, तो अपने फैमिली के साथ आपको बैठना होगा, आप अपने दादा दादी नाना नानी के साथ बैठकर कुछ सीखना होगा, जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। लोग, मैं आज भी यही देखा हूं, मैं द शेयर्ड पेन ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से, मैं जो भी व्यूवर्स इसको सुन रहे हैं, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि प्लीज स्टॉप थिंकिंग दैट यू नो एवरीथिंग। टिल टुडे वी डोंट नो मेनी थिंग्स इन लाइफ, टिल टुडे वी डोंट नो मेनी थिंग्स इन लाइफ। यू माइट बी PhD, यू माइट बी IAS, यू माइट बी IPS, नो, यू माइट बी गुड इन योर प्रोफेशन, यू माइट नो समथिंग अबाउट योर प्रोफेशन, बट देर आर मेनी थिंग्स इन लाइफ दैट वी डोंट नो। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न एवरीथिंग, समथिंग न्यू एवरी डे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आपके चार प्रिंसिपल्स हैं, आप सिर्फ फोर प्रिंसिपल्स। मुझे लगता है जो आखिर का जो था, दैट यू नीड टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। क्योंकि आजकल के नौजवानों में ये देखा गया है कि नो डाउट सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हैं, लेकिन एट द एंड शाम का वक्त थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स के साथ गुजारना, अपने बुजुर्गों के साथ गुजारना, उसके बाद ही अपना दिन खत्म करना, उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि बुजुर्गान ही वो ऐसे लोग होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली उनसे सीखा जाता है, जिंदगी के बहुत सारे अहम सबक उनसे सीखे जाते हैं। तो बेशक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, आई मस्ट से। तो सर, अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी पहली तकरीर कब हुई थी और कहाँ हुई थी? आपने पहला मोटिवेशनल स्पीच कहाँ और कब दिया था? जी, मैं, मेरा पहला मोटिवेशन दिया था जब मैं प्लस टू में था। व्हेन आई वाज इन प्लस टू, देन आई हैव स्टार्टेड गिविंग माय मोटिवेशन। तो सर, और बात ये भी है कि मोटिवेशन हर कोई दे सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई सेपरेट एजुकेशन है, इसके लिए कुछ सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है। मोटिवेशन सब देना है, सबको आता है, लेकिन कौन दे रहा है, उसकी क्वालिटीज क्या है, उससे सीखने के बाद हमें क्या मिल रहा है, वो जरूरी है। आज मैं एक प्लेटफॉर्म में बैठा हूं, आज मैं किसी से बात कर रहा हूं, यस आई एम लर्निंग समथिंग टुडे। इफ यू आर नॉट इन ए सिचुएशन दैट यू आर लर्निंग समथिंग, इट्स ऑफ नो यूज। लाइफ इज सच ए प्लेस दैट एवरी स्टेप, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट वी हैव टू लर्न समथिंग। बहुत सारे लोग, अगर आप देखोगे, मैं बच्चों तक की नहीं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द एज ऑफ 15 टिल द एज ऑफ 55। अगर आप देखोगे बहुत सारे लोगों का, तो 15 से लेके 55 के जो भी लोग हैं, 85% ऑफ देम दे आर वेस्टिंग देयर टाइम जस्ट बाय स्क्रोलिंग द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम रील्स। क्या दिखा रहा है उसमें, जो गाना है इसी में भी वही गाना है, उसमें दो लोग लड़ रहे हैं, इसमें दो लोग पका रहे हैं, गाना तो सेम है। तो रील्स में मिला क्या है भाई? अगर तुम रील्स बाजुक रखकर, इफ यू कीप रील्स यू नो बिसाइड एंड टॉक समथिंग विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कुलीग, विथ योर फ्रेंड्स, यू विल लर्न समथिंग, ऑब्वियसली यू लर्न समथिंग। आज मेरे, देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि आज तक मेरे पास बड़े लोग भी मुझे अप्रोच होते हैं कुछ ना कुछ सपोर्ट के लिए, मेरे से छोटे लोग भी मुझे अप्रोच होते हैं कुछ ना कुछ सपोर्ट के लिए। लोग मुझे मेरी उम्र देखकर नहीं आ रहे हैं, लोग मेरे पास, मेरा पढ़ाई, मेरी नॉलेज, मैं कितना अच्छा बात कर रहा हूँ, मैं कितना सीखा हूं, मैं दूसरों को कितना सिखा रहा हूं, यही देखकर मुझे लोग अप्रोच हो रहे हैं, ना कि मेरी पैसों को देखकर, ना ही या मुझ में अमीर हूं गरीब हूं ये देखकर, ना ही मैं उम्र में छोटा हूं बड़ा हूं ये देखकर नहीं आ रहे हैं। पीपल आर नॉट कमिंग टू मी बिकॉज ऑफ माई एज एंड बिकॉज ऑफ माई आई एम रिच और पुअर।
पीपल आर अप्रोचिंग मी बिकॉज आई हैव लर्न समथिंग एंड आई एम मेकिंग देम टू लर्न समथिंग एवरी डे. सो दिस क्वालिटी शुड बी बिल्ट. अगर आप देखेंगे आईआईटीज के लोग देखिए, एनआईटीज के लोग देखिए, टॉप यूनिवर्सिटीज के लोग देखिए, दे हैव वेरी गुड एजुकेशन. 99%, 98%, 99%, 95%, वेरी गुड. आई एम टेलिंग वेरी गुड यू हैव वेदर योर एजुकेशन. व्हाट इज लाइफ? अगर मैं ये क्वेश्चन उनको पूछूंगा, नो वन हैव ए प्रॉपर आंसर टू नो व्हाट इज लाइफ. इज ए बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एवरी वन टूडेज लाइफ इज दैट नो वन आर हैविंग ए प्रॉपर रिलेशनशिप. हु इज हैविंग ए प्रॉपर रिलेशनशिप? मैं एक कॉलेज को गया था. आई एम टॉकिंग वेरी रिसेंट सिचुएशन. मैं एक कॉलेज को गया था. मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था. व्हेन आई स्पोक विद द फाइनल ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, मैं उनको ये पूछा कि हाउ स्ट्रांग इज योर नेटवर्क. एक बच्चा उठकर बोलता है कि सर आई हैव 55 फ्रेंड्स इन फेसबुक, सर आई हैव 1200 फॉलोअर्स इन माई इंस्टाग्राम. भाई साहब, यू हैव 5000, 6000, 10000 स्टूडेंट्स इन योर इंस्टाग्राम, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, बट व्हाट इज द पॉइंट इफ नो वन इज कमिंग फॉर यू व्हेन यू आर इन नीड? हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर रिलेशनशिप? आज मैं एक विलेज में भी क्यों ना बैठा हूं, आज मेरा काम अगर मुझे यूपी में हो, कश्मीर में हो, अगर वो होना है तो मेरा एक प्रॉपर रिलेशनशिप होना चाहिए, एक प्रॉपर नेटवर्क बढ़ना चाहिए. ये नेटवर्क कैसा बढ़ेगा, ये रिलेशनशिप कैसा आएगी? घर बैठकर, इंस्टाग्राम में रील देखकर, कच्चा बादाम सुनकर, पक्का बादाम सुनकर कैसा आएगी? नहीं आएगी. ये रिलेशनशिप, ये नेटवर्क तभी आएगी जब आप कुछ पाओ बाहर जाकर, कुछ आप सीखो बाहर जाकर, दूसरों को कुछ सिखाओ. रोड पे लड़ाई चल रही है, चलो एक और एग्जांपल देता हूं. रोड पर लड़ाई चल रही है, भयानक लड़ाई चल रही है, जाओ बाजुक ठहरो, देखो क्या हो रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें शामिल हो, नहीं, आप देखो, देखो क्या हो रहा है, क्या डिस्कशन हो रहा है, कैसे लोग ठहरे हुए हैं. जब तक आपको नहीं पता कि बाहर लोग कैसे हैं, आप रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे, आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे. मैं आपसे जिस तरीके से बात कर रहा हूं, मैं उस तरीके से बाहर पुलिस वालों से नहीं बात कर सकता. जिस तरह मैं पुलिस वालों से बात कर रहा हूं, उस तरह मैं अपने घर वालों से नहीं बात कर सकता. जिस तरह मैं अपने घर वालों से बात कर रहा हूं, मैं अपने टीचर से नहीं बात कर सकता. यू हैव टू लर्न हाउ टू टॉक, व्हेन टू टॉक, टू हूम यू शुड टॉक. ये कैसा आएगा जब आप सीखोगे? कैसा सीखोगे? घर बैठकर, इंस्टाग्राम का रील देखकर, फेसबुक का रील देखकर? नो. जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं एजुकेशन पढ़ रहा था, ग्रेजुएशन पढ़ रहा था, मैंने हजारों पैसे खर्चा किया दूसरे कॉलेजेस में जाके सेशन अटेंड करने के लिए, दूसरे स्टेट्स जाके कुछ ये करने के लिए. आज भी मैं इंजीनियरिंग से हूं. टू बी फ्रैंक, आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग. आज भी मेरे अलग मुझे इंटरेस्ट इतना था, आई वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, लेकिन खुदा ना खासा वो हुआ नहीं. आई बिकेम एन इंजीनियर. ठीक है, दो आई बिकेम एन इंजीनियर, आई वॉज गोइंग टू 10th क्लास एंड 8th क्लास एंड आई वॉज टीचिंग देम बायोलॉजी. मेरा स्टूडेंट भी इधर ज्वाइन हुआ है. सर, यू आर माई बायोलॉजी टीचर बोल रहा है. मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा था व्हेन आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग. क्यों? ये नहीं है कि मुझे उस पे कुछ पढ़कर जाके बोलना था, मुझे इंटरेस्ट था. आदमी को अंदर से एक इंटरेस्ट की चीज आनी चाहिए. ये इंटरेस्ट जब तक नहीं आएगी, आप कुछ नहीं कर सकोगे. मुझे इंटरेस्ट था द शेयर्ड पेन ऑफिशियल के साथ मिलने का. मैं मेरे इंटरेस्ट से मैं मिला हूं, इसलिए आज हम दोनों इधर हैं. लाइफ में सीखने के बहुत सारे चीजें हैं. लाइफ में सीखने के ये चीजें हैं जो हमें किताबों से नहीं मिलती. लाइफ में ऐसे चीजें हैं, लाइफ इज सच अ काइंड ऑफ थिंग दैट वी हैव मेनी थिंग्स टू लर्न. मैं भी ये नहीं कहता हूं कि मुझे सब कुछ आता है. टिल टुडे आई एम इन स्टेज ऑफ लर्निंग, टिल टुडे आई एम इन स्टेज ऑफ लर्निंग. अगर आप देखोगे 24 आवर्स ऑफ टाइम में, मेरी ड्यूटी हो, दूसरा काम हो, कुछ भी हो, मुझे आज 4 या 5 घंटे की नींद भी मुश्किल है. आई एम बिजी माई सेल्फ. सो इन द सेम वे एवरी वन हैव टू फॉलो द सेम थिंग.
जब जब दिल ये बोलता है कि मेरे दिमाग को बाहर निकालूं, बहते पानी में अच्छे से डुबो कर धोऊं और फिर वापस लगा लूं, कुछ ठंडे दिमाग से कुछ सोचूं, इतने सारे चीजें हैं। कोई मुझे फोन करता है, सर ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, आप कुछ दिलवा दीजिए। मेरा वो नेगेटिव नहीं है, बिकॉज आई हैव बिल्ट सच ए नेटवर्क दैट पीपल अप्रोच मी फॉर गिविंग फॉर ब्लड। कोई आता है, सर आप मेरा बर्थडे हर हर साल सितंबर 15 को होता है, ठीक है, मेरे हर बर्थडे के दिन आई प्लांट ट्रीज, आई प्लांट लॉट ऑफ ट्रीज, और मैं एक ऑर्फनेज को पूरा दिन का खाना सप्लाई करता हूँ मेरे बर्थडे के दिन। मुझे केक काटने की आदत नहीं है, तो मैं प्लांट्स जितना सप्लाई करता हूँ, तो लोगों में जो जो पेड़ मुझे दे रहा है उसको पता चल गया, हाँ भाई सितंबर 15 आ रहा है, आसिफ सर आएंगे, इनको इतने प्लांट्स दिखा के रखना है, वो पब्लिक में चला गया। तो मेनी पीपल अप्रोचेस मी फॉर द डोनेट, आई मीन फॉर प्लांटिंग ए ट्रीज, मैं जाके शामिल होता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम इन्वॉल्व्ड इन सोशल एक्टिविटीज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखना है, लाइफ में खाना भी सीखना है, लाइफ में दूसरों को सिखाना भी सीखना है। अगर बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर मैं घर बैठा हूं, मैंने इंस्टाग्राम में वो सीखा है, यूट्यूब में वो सीखा है, सीखा है कहाँ, इंप्लीमेंट किया है, अमल करने की जरूरत है। वेयर इज द इंप्लीमेंटेशन, शो मी द इंप्लीमेंटेशन। आज भी पॉलिटिकल लीडर्स मुझे अप्रोच करते हैं, मैं ये बात मैं ओपनली कहना चाह रहा हूं इस प्लेटफॉर्म से, बहुत सारे लोग पॉलिटिकल लीडर्स मुझे अप्रोच करते हैं सजेशंस के लिए, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स बोलते हैं कि मुझे वो प्लान है, मेरे पास ए प्लान है, ए प्लान है, कहां इंप्लीमेंट किया है, इंपैक्ट कहां है उसका, यू शो मी द इंपैक्ट। कुछ भी हम सीखते हैं उसका इंपैक्ट होना चाहिए, मैं आज कुछ सीखा हूं, मेरा इम्पैक्ट बाहर दिख रहा है, देर इज सम इम्पैक्ट दैट इज विजिबल। पीपल, अगर आप ऐसे सोसाइटी में जी रहे हैं जहां आपको सब फैसिलिटीज है, मरने के बाद लोग नहीं पूछना है कि अरे हाँ ये गली में आसिफ नाम का कोई बंदा था, मुझे नहीं पता, मरने के बाद लोग बोलना चाहिए हाँ आसिफ नाम का एक शख्स था जिसके वजह से आज ये पूरी गली में ग्रीनरी है, आसिफ नाम का एक शख्स था जो इतने सालों से इतने पेड़ उगाया था, आसिफ नाम का एक शख्स था को जो ये किया है, लोग उसे पहचानना है। यू बी यूनिक इन द सोसाइटी, डोंट बी लाइक ए कॉमन मैन, मैं यही सजेस्ट करता हूं सब लोगों को, यू आर बॉर्न, यू आर इन ए सिचुएशन टू लर्न, लर्न, मेक यूर सेल्फ, प्रूव यूर सेल्फ दैट यू आर ग्रेट, हाउ, नॉट बाई शोइंग ऑफ, अच्छे कपड़े पहनकर, टाई पहनकर, शूज पहनकर, ये पहनकर, आप पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर इंस्टाग्राम में सामने से पीछे पीछे से सामने चलकर एक रील बनाएंगे, क्या आप लगते हैं कि आप अच्छे लोग हैं? जितना सिंपल रहना चाहिए रहिए, जितना सामने सामने वाले से आप कितना आराम से नरम से सिंपल से रहना चाहिए रहिए, आप जितना भी दिखाना है आपके नॉलेज से दिखाइए, आपके शो ऑफ से नहीं। आज बिल्कुल भी जब मैं लोगों से मैं व्हेन आई गो टू द आई मीन मैं ऐसे जगह जाता हूं जहां स्लम एरियाज हो, लोगों के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, लेडीज के पास प्रॉपर कवर अप नहीं है, अपने साड़ी से अपने कुछ वो ढकल देते हैं, बच्चों के पास कपड़े नहीं है, तो मैं आज भी वैसे लोगों के घर गया हूं, मैं उनके साथ बैठा हूं, उनके साथ खाया भी हूं खाना, मैं कभी यह फील नहीं हुआ कि ये कुछ अनक्लीन है, नहीं। क्या सीखा है मैंने वहां जाके, मैंने ये सीखा है कि एक दाना भी मुश्किल है उन लोगों के लिए, और हम आज इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, आज मैंने कुछ सीखा है उन लोगों से। जिंदगी आसान है, इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि खाना वेस्ट बहुत लोग करते हैं। इवन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बर्थडे पे केक कट करने की बजाय उसे खाने की जगह एक दूसरे पे फेंकते हैं। ऑब्वियसली रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं, खाना वेस्ट करते हैं, लेकिन यही लोग जो होते हैं जो आई कैन नॉट कॉल देम पुअर, जिनके पास रिसोर्सेज थोड़े कम मिकदार में होते हैं, इन्हीं लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रिज़िक की कदर करना सीखते हैं, शायद हमसे बेहतर रिश्तों की कदर करना भी हम लोग इन्हीं से सीखते हैं। सही बात, वो तो वही है, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, इट्स जैसा कि वेरी आपने इंपॉर्टेंट।
जी सर, जैसा कि आपने कहा कि जिंदगी में बहुत से ऐसे सबक हैं जो इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है, शायद किताब में वो नॉलेज नहीं हो जो इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है। तो हाँ, अगर कोई इंसान मुश्किलात में है, किसी भी खुदा ना खासा किसी मुसीबत में मुब्तला है, तो डेफिनेटली वन शुड टेक इट एज अ लेसन, जी नॉट एज हर्डल ऑब्वियसली। करेक्ट। अब मैं आपको एक छोटा एक और एग्जांपल बोलता हूँ, ठीक है। एक आया है, भाई आपको इतना गुस्सा क्यों है और आप इतने तारीफ क्यों कर रहे हैं अपनी। तारीफ के काबिल है वो तो करना पड़ेगा, मैं अगर आपसे होता है तो गुस्सा, आप भी ऐसे करें, अपनी तारीफ करें। सही बात, सही बात। देखिए, गुस्सा आदमी के लिए अच्छा नहीं है, ये बात तो है, लेकिन जब आदमी के पेशेंस से ज्यादा कुछ सामने वाला सता रहा हो, कुछ सीरियस कभी कभी इंसान होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि मैं गुस्से वाला हूं या मैं कुछ ये कर रहा हूं। हाँ, जितना गुस्सा किया हो उससे ज्यादा अप्रिशिएशंस हैं तो तारीफ लायक है ही। जी बिल्कुल, कभी कहते हैं ना कि गुस्सा आना बड़ी आम सी बात है, कभी कभार इंसान का जो मयार से ज्यादा उसे फोर्स किया जाता है, उसकी लिमिट्स को इतना पुश किया जाता है कि गुस्सा फाइनली फिर बाहर आ जाता है। तो लेकिन हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंसान को अपने गुस्से को पालना सीखना चाहिए, और गुस्से को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाना चाहिए, उसे अपने गुस्से को इस्तेमाल करना चाहिए कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। तो सही बात, हाँ, अगर सर ने अपनी तारीफ की है तो डेफिनेटली वो उसी तारीफ के काबिल हैं, वैसे काम कर रहे हैं। अगर इंशाल्लाह अगर आपको भी मौका मिले तो आप भी कीजिएगा, और शायद आप हमारे लाइव सेशन पे अगले गेस्ट आप ही हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आप भी ऐसे नेक काम अंजाम दें। सर और जरूर। बताइए, अभी सबसे ज्यादा अगर मैं अभी कहूं कि आपका नेक्स्ट मोटिवेशनल स्पीच आप कहाँ देने जा रहे हैं? नेक्स्ट मोटिवेशनल स्पीच, देखिए जब ये तो क्या बोलते नथिंग हैं, नहीं, प्लान तो कुछ भी नहीं होता। लोग अगर जब बुलाना चाहते हैं तो एक दो दिन पहले कॉल कर देते हैं, बोलते हैं कि सर वी आर फ्रॉम सो एंड सो प्लेस एंड ये स्टेट से हैं, वी आर प्लीज टू हैव यू। मैं निकल जाता हूँ, मैं कभी मना नहीं करता। और ये बात ये भी है कि लोग पूछते हैं कि सर आप एक मोटिवेशन सेशन के लिए कितना लेते हैं, हाउ मच यू चार्ज। मैं बोलता हूँ कि भाई मैं चार्ज कुछ नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं, मेरे खुद के खर्चों से मैं फ्लाइट बुक करता हूँ, जाता हूँ। बस मेरा सेटिस्फेक्शन ये है कि हाँ, आज मैंने 1,000 लोगों को कुछ सिखाकर आया हूँ, चाहे उसमें 20 भी लोग उसको इम्प्लीमेंट क्यों ना करें, दे विल रिमेम्बर मी लेटर ऑन। माशाल्लाह, जरूरत है आप जैसे लोगों की, हमारी सोसाइटी को बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं वो बहुत ही डिमोटिवेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, ड्रग एडिक्शन इज देयर, और न जाने कितने ही इवल्स हैं सोसाइटी में। तो आप जैसे लोगों का होना बहुत बहुत बड़ी बात है हमारी सोसाइटी के लिए। तो सर, अगर मैं आपसे एक छोटी सी मोटिवेशनल स्पीच अगर चाहूँ हमारे व्यूवर्स के लिए, शायद उनमें से कोई इंसान आपके मोटिवेशनल स्पीच से एक्चुअली मोटिवेट होके शायद उसे इम्प्लीमेंट करके अपनी जिंदगी थोड़ी बहुत बदल सके, तो सर एक छोटी सी मोटिवेशनल स्पीच। छोटी सी मोटिवेशन, मेरा मोटिवेशन अगर आप माइक हाथ में दोगे तो 4-5 घंटे भी कम है मेरे लिए। ठीक डेफिनेटली, इसीलिए मैंने स्पेसिफिक भाई छोटी सी। तो मैं सारे व्यूवर्स को, जो भी सुन रहे हैं, जो भी ज्वाइन हुए हैं, मैं उन सबको ये बात बोलना चाहता हूं कि लाइफ में आप लोगों ने कुछ खोया हो ना खोया हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप जिस आदमी से सामने बात कर रहे हैं वो कुछ खोया होगा जरूर। तो सामने वाले आदमी से आप जिस तरह बिहेव कर रहे हैं वो अगर अच्छा होगा तो आप उसकी जिंदगी बना दी है। आज आप देखिए बहुत सारे लोग बाहर ऐसे हैं, कुछ बात कर रहा हूं, कैसे हो, हाँ ठीक हूं, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, आपको क्या लेना देना इससे, मैं कुछ भी करूं। तो लोग बहुत भड़क कर बात करते हैं, मुझे लोग, हाँ, ये बात सच है कि लोग मुझे कहते हैं कि भाई आसिफ तो बहुत गुस्से वाला है, गुस्से वाला
मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं सब कुछ करेक्ट चाहता हूं। गलती हो तो गलती ही है। जब मेरे भाई को मेरे गाड़ी ट्रिपल राइडिंग अलाउड नहीं है, ठीक है, एक मैं एक जमाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे भाई को जब पुलिस वाले ने पकड़ा ट्रिपल राइडिंग के लिए, तो मैंने पुलिस वाले को बोला हाँ रख लीजिए उसको, शाम तक शाम में भेजेगा उसको घर। मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो छोटा था, उसने गलती की है। बड़ा होकर वो फिर वही गलती करेगा, बोलेगा कि मेरा भाई आएगा मुझे बचाने के लिए। बिल्कुल तो आप जिस तरीके से सामने वाले से आप बिहेव कर रहे हैं, वो आज नहीं या कल नहीं, कुछ दिनों के बाद उसको एहसास लगेगा या आपको यह खुद एहसास लगेगा हाँ कि उस टाइम पे मैं उस आदमी से बात करके कुछ अच्छा काम किया है। हर दिन अच्छा काम करने से जो रात, हाँ बात यह भी है कि रात में ईशा की नमाज पढ़कर सोने से नींद अच्छी आती है, उसके साथ साथ मैं एक और भी ऐड करना चाहता हूं कि दिन में किसी आप एक आदमी को अच्छा सा रखें, अच्छा उसको बनाए, उसको फील करें, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग दैट वी हैव टू एक्सेप्ट फॉर आवर सेल्फ। एक आया है भाई, वी आर लिविंग इन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी एंड इंस्टेड ब्लेमिंग पीपल व्हाट दे आर डूइंग, ट्राई टू एड्रेस एंड अंडरलाइंग फैक्टर्स दैट लीड टू दिस टेक्नोक्रेटिक डिस्टोपिया। ठीक है, देखिए मकबूल साहब, ये जो टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी में आप जी रहे हैं, हाँ टेक्निकल इतना ज्यादा हो गया है हमारे दिमाग में कि मॉर्निंग जब हम उठते हैं, जब तक हम बेड पे जाते हैं, वी आर लिविंग इन ए टेक्निकल वर्ल्ड। पहले देखिए हाथ की घड़ी जो है नॉर्मल घड़ी होती थी, आज वो भी टेक्निकल हो गई है, वो उसके नीचे भी लाइट आने लगा है, अपने नस के ऊपर लाइट पड़ता रहता है। तो जब भी हम, मुझे ये देखकर और सुनकर बहुत हैरान की बात है, जब तक जब आप लोग पानी नहाते हैं तभी भी वो वॉच को पहनकर पानी नहाते हैं। हाँ हम टेक्निकल वर्ल्ड में जी रहे हैं, टेक्निकल वर्ल्ड में जी रहे हैं, और इसका इस्तेमाल कितनी अच्छी तरह से हम उपयोग कर रहे हैं वो बताइए ना। टेक्निकल जी वर्ल्ड में जी रहे हैं, आज टेक्निकल वर्ल्ड है, इसलिए तो हम आपस में, आप कहीं और मैं कहीं और बैठकर बात कर सक रहे हैं। मार्स में, मून पे कोई जा रहा है, कुछ रिसर्च कर रहा है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, घर बैठे हम कहीं और कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ दूर दूसरी दुनिया की, दूसरी देश की न्यूज आप जब सुन रहे हैं टेक्निकल की तरफ से। यही टेक्नोक्रेटिक सिचुएशन में हम कैसा जी रहे हैं, किस तरीके से जी रहे हैं, इसको कितना पॉजिटिव हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना नेगेटिव हम इसको दूर कर रहे हैं वो बताइए ना। ये टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी में हाँ लोग नेगेटिव ज्यादा लेते हैं, पॉजिटिव को ज्यादा छोड़ते हैं। नेगेटिव को ज्यादा तरजीह दी मैं मेरे सामने होस्ट बैठे हुए हैं, मैं होस्ट को, होस्ट में सिर्फ नेगेटिव ही देखता रहूं तो मुझे सिर्फ नेगेटिव ही दिखेगा। जब मैं मकबूल साहब के खिलाफ ओनली नेगेटिव ही देखा, अरे भाई मकबूल साहब तो जब से ज्वाइन है जब से कुछ अगेंस्ट क्वेश्चन ही बात कर रहे हैं, अगरचे मैं उनको नेगेटिव देखता हूं तो मुझे नेगेटिव ही दिखेगा। पॉजिटिव जी। देखो, पॉजिटिव सोचो। आज सोसाइटी में अगर अगर मैं आसिफ हूं, मैं एक्स पर्सन से बात कर रहा हूं, अगर मैं एक्स पर्सन मुझसे बात कर रहा है, 10 मिनट वो एक्स पर्सन मुझसे बात कर रहा है, 10 मिनट में 8 मिनट उसने नेगेटिव ही बात किया है, तो मैं पूरी जिंदगी उसको रिमेम्बर रखूंगा, ये बंदा पूरा नेगेटिव है, इसको इसे बात करना ही नहीं है। इंस्टेड मैं ये फोकस करूं कि भाई इससे सीखने को मुझे 2 पॉइंट्स मिले हैं, इसको सीखने से ये पॉइंट मिला है कि ये बंदा ज्यादातर निगेटिव ही बात करता है, पॉजिटिव बहुत कम बात करता है। तो मैं जब भी इससे बात करता हूं तो मैं वही पॉजिटिव पॉइंट्स को लेकर उसको फोकस करूंगा और उसका निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके बात करने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं उससे अवॉइड नहीं हूंगा। आप रिलेशनशिप को दूर मत करना है हमें जी, इंसान की नेगेटिविटी को दूर करना है, सही बात, रिलेशनशिप को नहीं। सही बात। तो सर आखिर में, अगर मैं वक्त हमें ज्यादा इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ दैट क्या आप मुझे एक एक बस अपनी होने वाली जो आप मोटिवेशनल स्पीच जो आप आइंदा देने वाले हैं, मुझे आप उसका जो एक फाउंडेशन बताएं कि आप शुरू कैसे करते हैं।
कि आपका जो मोटिवेशनल स्पीच जो होता है उसकी फाउंडेशन क्या रहती है? देखिए, मोटिवेशन का फाउंडेशन यह होता है कि सामने ऑडियंस कौन है, सामने ऑडियंस के ऑडियंस कौन है उस पर डिपेंड होता है कि हमारा मोटिवेशन का स्टार्ट कैसा करना होता है या हम उसको कैसा इनिशिएट करना होता है। तो वो हमारे सामने के ऑडियंस में है। अगर देखिए कोई फ्रेशर्स है, कोई न्यूली कॉलेज में ज्वाइन हुए हैं, अगर उनको मोटिवेशन देना है तो हमारी वे ऑफ टॉकिंग भी एजुकेशन की तरफ बदलेगी। उनको नौकरी लेकर कॉलेज से बाहर जाने की तरफ में उनको मोटिवेट करना होता है। अगर आप सामने वाले पब्लिक जो है, सामने ऑडियंस जो है, मैरिड पीपल बैठी है, जॉब होल्डर्स बैठे हो, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग बैठे हो, तो वो क्या थीम, आई मीन हमारे मेरा प्रेजेंस उधर किस वजह से है, क्या थीम है, अगर मैं उसको समझूं तो ही मैं कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ एक स्टार्ट बेस फाउंडेशन बना सकूं। तो वो एक बात है। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो मोटिवेट हो ही गया होगा हमारे इस कॉन्वर्सेशन से, हमारी इस छोटी सी गुफ्तगू से, जिसे भी मोटिवेशन की जरूरत होगी। अगर वो दो ही बातों का ध्यान रखे, आप कही हुई दो ही प्रिंसिपल्स को याद रखे, कोई ना कोई तब्दीली तो जरूर आएगी किसी ना किसी की जिंदगी में, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह। और सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपनी बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। मैं भी बहुत आप लोगों बहुत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला है, मुझे कंसिडर किया है आपसे गुफ्तगू करने का। मैं आप लोग कहीं कश्मीर में बैठे हुए हो, मैं कहीं साउथ नीचे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म द शेड पिन ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हम टेक्निकली कनेक्ट होकर हम उनको सिखा रहे हैं। हाँ, जो टेक्नोक्रेटिक पीपल की बात करी थी, हाँ हम टेक्निकल से कनेक्टेड हुए हैं लेकिन बातों से तो हम लोगों ने दिल से कनेक्ट किया है। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपनी बातों में आपने पहले भी कहा था कि रिलेशनशिप स्ट्रांग होने चाहिए, तो चाहे मैं कश्मीर में हूँ या फिर आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हैं, इंशाल्लाह हमारा रिलेशनशिप ऐसा ही बना रहेगा और हमारे व्यूवर्स के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना ही रहेगा। तो जरूर, सर, आपकी विदा लेने का वक्त आ गया है और मैं अपने तमाम व्यूवर्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारी लाइव सेशन को ज्वाइन किया, और हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चले, मैं विदा लेती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। चले, खुदा हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।